भिवाड़ी के कसोला थाना पुलिस द्वारा हत्या के एक मामले में थामलावास में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की तीसरी मंजिल से कूदकर रात के अंधेरे में फरार हो जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आज दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जमानत पर आने के बाद गवाह को हत्यारोपी ने फोन पर दी थी जान से मारने की धमकी। आपको बताते चलें कि जिले के गांव कमालपुर में साल 2018 में धर्मचंद नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप लगा था इसी गांव के संदीप और नवीन पर और हत्या का गवाह था मृतक का भतीजा। हत्यारोपी संदीप कुछ समय पहले जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद आरोपी संदीप ने गवाह को गवाही देने पर 11 जून को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि गवाह की शिकायत पर थाना कसोला पुलिस ने आरोपी संदीप को विगत शनिवार को गिरफ्तार कर जिले के गांव धामलावास में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया, जिसका सोमवार को कोविड-19 टेस्ट होना था। लेकिन रविवार रात को अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी सेंटर की तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर फरार हो गया। लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पूरे प्रकरण को देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाना लाजमी है। इसमें ऐसा था, ये संदीप सनोपलाल सिंह कमालपुर मुंडनवास का रहने वाला था। इसके खिलाफ 2019 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था कसोला थाने में। उस मुकदमे में ये हाईकोर्ट माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से बेल पर आया था, जिसने जमानत पर आने के बाद गवाहों को धमकी दी। इस संबंध में कसोला थाने में 152/2020 मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें कसोला पुलिस ने इसको राउंड अप करके सैंपलिंग के लिए धामलावास पॉलिटेक्निक अपना आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पर छोड़ दिया था। दोषी रात बाथरूम का बहाना बनाकर बाथरूम के पास शीशे वाली खिड़की से शीशा खोल के और सेकंड फ्लोर से जंप करके भाग गया है। जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है और उस आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी इसको गिरफ्तार कर लेंगे। ड्यूटी पे बिल्कुल पुलिस की गार्ड थी, लेकिन वहाँ लाइट ना होने के कारण वो अंधेरा फायदा उठाकर और विंडो से कूद के और भाग गया।